नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश ही नहीं, दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। इसके लिए हर साल बड़े बड़े मंचों पर वादे किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। पर सच तो यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर, हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आज समाज में आशा की कई किरणें हैं जो समाज को रोशन कर रही हैं। ऐसी ही उम्मीद की एक किरण है प्रयागराज के हरियाली गुरु। जी हाँ, एक ऐसा गुरु जो शिशुओं युवाओं को प्रेरित कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है पर्यावरण के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति। जिनका पूरा नाम प्रोफेसर एनबी सिंह है। हरियाली गुरु बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे हैं और कक्षा 3 से ही पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज यह काम और बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं प्रयागराज के हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी एमएससी पीएचडी किया। वर्तमान समय में ही प्रोफेसर हो के रिटायर हुआ हूँ जी। और प्रयागराज में विकास के नाम पे तमाम वृक्ष काटे गए थे माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर, और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ करके मैंने पूरे शहर में वृक्षारोपण किया है। जितनी सड़कें हैं आपको सब मेरे लगाए द्वारा वृक्ष मिलेंगे और हमारा प्रयागराज हरा भरा हो रहा है और ग्रीन कवर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है ग्रीन कवर में। सर, आपको कैसे हरियाली गुरु का नाम मिला? देखिये, गुरु और टीचर दो होते हैं जी। गुरु वो होता है जो सामाजिक घटनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराए, समाज के विकास की बात करे और समाज को एक स्वस्थ वातावरण दे जे। तो स्वस्थ वातावरण तो पेड़ पौधों के लगाने से ही मिलता है, इसलिए मैं गुरु हूँ और पेड़ पौधे लगाता हूँ। इसलिए विश्वविद्यालय के प्रयागराज की जनता हमको हरियाली गुरु के नाम से संबोधित करती है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। एनबी सिंह जी, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, उनको पूरा करने का लगन होता है, आपका क्या सपना रहा? सपना ये है कि मैं पूरी धरती को प्रदूषण मुक्त करूं, अधिक से अधिक पौधे लगाऊं। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करते हैं और जीव जंतु भी हमारे लिए आवश्यक हैं और हम जीव जंतुओं की सुरक्षा संरक्षण करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, जीव जंतुओं की सुरक्षा संरक्षण और वृक्षारोपण। सर, इंसान की जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है और इन्हीं चुनौतियों से इंसान सीखता है और मजबूत होता है। आपकी चुनौतियां क्या क्या रही? देखिए, चुनौतियां, मैं बेकार हूं, मैं साइकिल चलाता हूँ, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड निकले फॉसिल फ्यूल बनने से, कोयला जलाने से, पेट्रोल जलाने से। तो मैं साइकिल चला करके पर्यावरण स्वच्छ रखता हूँ और अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ। तो साइकिल चलाने से हमको लोग कुछ तमाम तरह के संबोधित करते हैं, लेकिन उन सबसे दूर रह करके, उस सबसे ऊपर उठ करके मैं साइकिल चलाता हूँ और प्रयागराज में हरियाली बढ़ा रहा हूँ जी। सर, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों? ज्यादा बोलिए। हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, बताएं। सर, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों? देखिए, मेरे माता पिताजी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम धनराज सिंह है और माता का नाम गंगा है। तो ये अध्यात्म की बात भी मैं इनसे सीखता हूँ और इनके साथ रह करके मैंने वृक्षारोपण अपने ग्राम बिकना से प्रारंभ किया था। कक्षा 3 में मैंने 50 पेड़ लगाए थे, तब से पेड़ लगाने की हमको आदत पड़ी। इसके बाद बायोलॉजी का मैं छात्र हुआ हूँ, जिससे पौधों से हमारा अटूट संबंध है। पौधों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, रोटी कपड़ा मकान ही देते हैं।
तो बिना प्राण वायु के सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए हम सबसे अनुरोध भी करेंगे आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और धरती को ठंडा रखिए, सर, 6 साल प्रदूषण मुक्त साल की उम्र रखिए। बहुत छोटी होती है, यहाँ तक कि 6 साल के बच्चे को समझ भी नहीं होती है। आपने 6 साल की उम्र में पौधे लगाना शुरू किया, आपके मन में पर्यावरण संरक्षण का कैसे मन में आया कि ये करना चाहिए? देखिए, तब मैं जब कक्षा 6 में था तब पर्यावरण की बात नहीं जानता था। जी मेरे पिताजी बाग लगाने के बहुत शौकीन थे। हमारे यहाँ शीर और शायर की बात होती थी। शीर का मतलब खेती, शायर का मतलब बाग। जी हमारे यहाँ करीब 10 बाग हैं बड़े बड़े, जिसको मेरे पिताजी ने लगाया और उसमें मैंने उनको पूरा सहयोग दिया वृक्षारोपण करने में। आज हमारी बाग भरी हुई है, हरी भरी है। ये स्रोत रहे हैं मेरे पिताजी वृक्षारोपण के। और इसके बाद मैं हाई स्कूल किया, इंटर किया, पर्यावरण के तमाम कोर्सेज चले। बीएससी में भी इन्वायरमेंटल साइंस है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, और हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है। तो इन सब से मैंने देखा कि विकास के नाम पे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जी हम जल वायु जमीन से बने हैं। जल 70% है, वायु है, और जमीन के तत्व तो हम देते हैं। अगर जल वायु जमीन स्वस्थ और स्वच्छ नहीं है तो जब हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती तो हम बाहर से लेंगे। जब बाहर के तत्व तो स्वस्थ और स्वच्छ नहीं होंगे तो हम स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रह सकते। इसलिए मैं कहता हूं वी आर लिविंग एनवायरमेंट, हम जीवित पर्यावरण है। जी हमारे अंदर जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल का हम सब एक समेकित रूप है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है, मानव प्रकृति की खूबसूरत रचना है, और मानव को ही इस सब सृष्टि को आगे ले जाना है। जल वायु जमीन तीनों को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। सर, पूरा शहर आपको साइकिल वाले प्रोफेसर साहब के नाम से पहचानता है, क्या कारण है? हेलो, आएगा आएगा। आवाज आ रही सर आपको मेरी? खड़ी सर है आवाज आ बस, रही है आ आपको? जाएगा, रख दीजिए रख दीजिए, आ जाएगा। सर आपको ऑन आवाज होगा, आ रही है आएगा। मेरी? आवाज आ रही है आपको सर मेरी? हाँ प्रयागराज के ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है प्रोफेसर एनबी सिंह को। बता दें कि अभी तक प्रोफेसर एनबी सिंह लाखों पेड़ पौधे लगा चुके हैं, जिन्हें हरियाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज के प्रसिद्ध ग्रीन मैन है। बता दें कि देश भर में आज इन्हें हरियाली गुरु के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उनकी टीम अनोखे अंदाज। और एक बार फिर से हमारे साथ प्रोफेसर एनबी सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आपको पूरा शहर साइकिल वाले प्रोफेसर साहब के नाम से पहचानता है, क्या कारण है? मैं पूरे शहर में साइकिल चलाता हूँ। हमारे पास कार नहीं है, कोई ऑटोमोबाइल्स नहीं है। मेरे परिवार में मेरे 3 बेटियां और बेटे सभी साइकिल चलते थे, और मैं कहीं भी जाता हूँ साइकिल से। अगर शहर के बाहर निकलता हूँ तो कार हायर करता हूँ मैं। तो हम साइकिल ही शहर में चलाते हैं। हमसे ज्यादा मेरी साइकिल की पहचान है। मैं उस साइकिल को BMW कहता हूँ। वो बेकार में स्वाकर बिना कार वाले आदमी को चलाने वाला यंत्र बाइसिकल, जिससे पेट्रोल बचता है, पोल्यूशन से मुक्ति मिलती है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है, मैं स्वस्थ रहता हूँ। मैं योग प्राणायाम साइकिल चला के उसकी बचत करता हूँ, समय बचाता हूँ, वृक्षारोपण करता हूँ। सर, सांप का नाम सुनते ही या उसे देखकर ही लोगों में डर का भय पैदा हो जाता है, लेकिन आप उन्हीं जहरीले सांप को बचाने का काम, उनके संरक्षण का काम करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है। जी शंकर जी का आभूषण कोबरा है, नाग, जी और नाग पंचमी का त्योहार भी हम मनाते हैं।
और नाग को दूध भी पिलाते हैं। तो हमको लगता है दूध इसलिए पिलाते हैं कि अगर नाग वंश को की हत्या करें तो कोई पाप ना लगे। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों को, जीव जंतुओं को, नदी और पहाड़ों को देवताओं से जोड़ा है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, रिसोर्सेज का, जीव जंतुओं का संरक्षण। इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि नाग पंचमी जैसे त्योहार को नागों की पूजा करने के उपरांत नागों की सुरक्षा और संरक्षा में कोबरा, करेत, अजगर कहीं भी मिलता है तो पूरे शहर में लोग हमको बुलाते हैं, मैं जाके रेस्क्यू करता हूँ, जी उनको सुरक्षित स्थानों पे छोड़ता हूँ। इवन छत्तीसगढ़, भागलपुर, झांसी, इन जी सब जगहों से फोन आते रहते हैं तो मैं उनके बारे में बताता रहता हूँ कि सांपों से डरिए मत। और दूसरी सांपों से डरने की बात है, कोबरा, करेत, रसल, वाइपर, ये जहरीले सांप हैं, बहुत संख्या में कम है, सरकार इनके सुरक्षा और संरक्षण की बात करती है। जी 20% डेथ जहर से होती है जो हमारी लापरवाही का कारण है, जी 80% मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। जी तो अगर सांप काटे तो हमको डरना नहीं चाहिए, और सांप के जहर को निकालने का कोई मंत्र नहीं है। अगर आप चीरा लगाएंगे, रस्सी से बांधेंगे, कटे स्थान के ऊपर जी रस्सी से बांध दें, और 1.5 घंटे के अंदर भी अगर आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। 1980 में हमको कोबरा काटा था, अब मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। जी सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण के लिए लगा दी, तो हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसा किस्सा बताइए जो अनसुना हो और काफी यादगार हो आपके लिए। इस संदर्भ में दो घटनाएं बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ गंगा यमुना का संगम है, और ये अनुभूत होती है गंगा यमुना हिमालय से निकल करके प्रयागराज में एक दूसरे को आलिंगन करती है। आज गंगा की स्वच्छता की बात होती है, गंगा को हम माता कहते हैं, लेकिन उसमें किस तरह का तमाम त्याज पदार्थों का प्रवेश कराते हैं, उसमें हम सुपुर्दे खाक होते हैं, पंच तत्व में विलीन होते हैं। इसके बाद भी गंगा में शव विसर्जन क्यों, अस्थि विसर्जन क्यों, मूर्ति विसर्जन क्यों? आज कहा जाता है गंगा का पानी नहाने लायक, पीने लायक नहीं है। एक घटना बताता हूं, आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। जी आज के 10 साल पहले एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था, क्योंकि बहुत भीड़ थी, माघ मेला था इलाहाबाद का, तो वापस घर जा रहा था, और मैं ट्रेन में पहले पहुंच करके अपनी सीट ले चुका था। वो व्यक्ति 2 लीटर का प्लास्टिक की बोतल निकालता है, तो हमको लगा कि ये व्यक्ति प्यासा है, और उसमें वो गंगा जल लिए है और गंगा जल का पान नहीं कर रहा है। 10 मिनट के बाद जब मैं गंगा जल अपना पानी पीने लगा बोतल से, वो मुझको देखने लगा, तो मैंने कहा आप उसको घूर क्यों रहे हैं? तो उसने कहा सर हमको प्यास लगी है। मैंने कहा मेरा पानी जूठा है। तब भी उसने कहा सर पिला दीजिए। मैंने उसको पानी दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप गंगा जल पी क्यों नहीं रहे हो, गंगा जल है ले जा रहे हो, पी क्यों नहीं रहे हो? उसने बोतल निकाला, करीब 2 इंच बोतल की तलहटी में मलबा जमा हुआ था और वो पी नहीं रहा था, जबकि गंगा जल था। हम कह ले क्यों जा रहे हो? कई लोग गांव वाले मांगते हैं। तो गंगा हमारी माता है, हम गंगा को अगर माँ ना कहें, गंगा को गंदा ना करें, गंगा साफ हो जाएगी। जी दूसरी घटना बताता हूं, माननीय हाई कोर्ट ने हमको प्रयागराज विकास प्राधिकरण से प्लांटेशन के बारे में जोड़ा था। तो मैं झूसी में चौराहा है, वहां मैं वृक्षारोपण कर रहा था, पीडीए के 2 माली हमारे साथ थे, वो मैं था। 2 व्यक्ति वहां खड़े थे सूट बूट में, उन्होंने कहा था कि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप किस विभाग के मजदूर हैं? मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूं और ये दोनों पीडीए के माली हैं।
कहें सर अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो आप प्रोसर का अपमान कर रहे हैं, आप प्रोसर हो ही नहीं सकते। हम कहे क्यों, कहे वृक्ष लगाना प्रोसर का काम नहीं है। तो मैंने कहा मैं किसी प्रोसर का अपमान कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे अगल बगल कोई प्रोसर है ही नहीं है। तो बहुत कन्विंस किया, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं उनको मैंने दिखाया, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि मैं प्रोसर ही हूं और वृक्षारोपण करना मेरी आदत है। तब उन्होंने कहा सर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम कहे क्यों, मनुष्य को वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए, प्राणवायु पौधे देते हैं, जलवायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। तब उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई सर, मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तो मैं तब मैंने कहा आप 10-10 वृक्ष लगा दीजिए। तो उन्होंने अंदामा मोड़ से गंगा जी के पुल के किनारे तक 10-10 पेड़ लगाया था उन्होंने, और बाकी और लोगों ने वृक्षारोपण किया, थम रोप किया। प्रयागराज हरा भरा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभूत होती है इलाहाबाद की हरियाली, बढ़ती हुई हरियाली को देख करके। सर पर्यावरण संरक्षण का आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इससे लोग कितना जागरूक हो रहे हैं, आम जनता का कितना आपको साथ मिल रहा है? साथ इससे पता चलता है कि जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं हरियाली भूल पा गए। तो ये लगता है कि लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के 30,000 बच्चों का ये प्रेम है कि हमको हरियाली गुरु कहते हैं। गुरु तो सभी हैं लेकिन हरियाली गुरु एनबीसी है। पूरे शहर में वृक्षारोपण किया है मैंने, आगे भी करते रहेंगे। हमारी एक नर्सरी है, मैं पौधे मुफ्त देता हूँ। शादी ब्याह में, तमाम उत्सवों में, जन्मोत्सव पर मैं पौधे गिफ्ट करता हूँ। और किसी कॉलेज में अगर मैं परीक्षा लेने जाता हूँ वहां कम से कम 50 पौधे लेकर जाता हूँ। और किसी उत्सव के बाद 1 घंटा मैं बच्चों को संबोधित करता हूँ, पर्यावरण के बारे में जागरूक करता हूँ कि धरती को बचाइए। अभी हम लोग मना रहे हैं बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, अर्थ डे 22 अप्रैल, वाटर्स डे 22 मार्च। तो मैं कहना चाहता हूं पृथ्वी है तो जल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो जैव विविधता है। आप सह अस्तित्व को आगे लेकर के ही सृष्टि आगे जा पाएगी, आपकी आगे की पीढ़ी का कल्याण हो पाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, जीव जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित करिए। सर एक जरूरी सवाल है मेरा आपसे, आजकल हम देखते हैं कि अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ये क्या है और इसका कारण क्या है? देखिए एक तो मौसम होता है, दिन प्रतिदिन जो पारिस्थितिकीय परिवर्तन होते हैं उनको मौसम कहते हैं। जैसे अभी तुरंत बरसात हो जाने लगे, अभी तुरंत बाढ़ आ जाए, अभी तुरंत सूखा पड़ जाए, तो इस तरह की चीजों को मौसम कहते हैं। लेकिन एक लंबे कालखंड और लंबे भूखंड पे जो मौसम होता है उसको जलवायु कहते हैं। हम जल और वायु से बने हैं, तो जलवायु मिलाकर के जलवायु बनता है, जो कि 2 मेजर फैक्टर्स हैं जल और वायु, जलवायु को नियंत्रित करते हैं। लेकिन विकास की होड़ में हमने उद्योग कारखाने लगाए, सड़क निर्माण किया, भवन निर्माण किया, तमाम विकास की बातें किया, कल कारखाने लगाए, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ऑटोमोबाइल से, उद्योग से, ट्रांसपोर्ट से, फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल और ईंधन के जलने से, वृक्षों के लकड़ियों के जलने काटने से कार्बन डाइऑक्साइड और इन गैसों का उत्सर्जन हुआ है। इन गैसों की विशेषता है, इनको ग्रीन हाउस गैस कहा गया। इंटर गवर्नमेंटल ग्रीन हाउस गैस है वो गैस है जो वातावरण में मौजूद रह करके तापमान वृद्धि में सहायक होती है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है जी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको 1988 में रिकॉर्ड किया गया, ग्रीन हाउस प्रभाव को लोगों ने समझा। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना होती
तो इस धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस कम होता। मतलब इस समय धरती का तापमान ग्रीन हाउस गैसों के अभाव में -15 डिग्री सेल्सियस होता। वर्तमान तापमान धरती का 15 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये वातावरण, ये धरती हमारे रहने लायक ना होती। ग्रीन हाउस गैसेस कारण इस धरती पे हम रहने लायक हुए हैं। लेकिन विकास की होड़ में जब इन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हम बढ़ाते हैं तो तापमान की वृद्धि होती है। वो तापमान की वृद्धि जो मनुष्य जीव जंतुओं के रहने के योग्य नहीं है। धरती का तापमान बढ़ता है जिसको हम तापी विश्व कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये गैसेस क्लाइमेट चेंज में सहायक होती, जलवायु परिवर्तन में, जिससे जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आएगा, तापमान बढ़ेगा, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा, मौसम बदलेगा, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं अधिक वर्षा। तो इस तरह कहीं सूखा बेहद नम मौसम, तो इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और इस सब के कारण हम ही हैं, मानव जाति ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन, अधिक उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। सर, प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कट गया क्या फिर? लगा रही है, आवाज आ रही सर आपको मेरी? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? तो प्रयागराज के ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं प्रोफेसर एनबी सिंह, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया है। बता दें कि प्रोफेसर एनबी सिंह अब तक लाखों पेड़ पौधे लगा चुके हैं। पर्यावरण को बचाने की अनोखी मुहिम चला रहे हैं प्रोफेसर एनबी सिंह। पूरा प्रयागराज इन्हें हरियाली गुरु के नाम से जानता है। बता दें हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस ग्रीन करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। खाली पड़ी विश्वविद्यालय की जमीनों पर उन्होंने छात्र छात्रों के साथ अब तक 1 लाख पौधे रोपे हैं। ये पौधे उनकी सेवा और देखभाल से अब तक पेड़ बन चुके हैं। बिना थके और बिना रुके उनका यह अभियान जारी है। तो एक बार फिर से हमारे साथ एनबी सिंह जुड़ चुके हैं। सर, प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने उन्हीं पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे चलने का सभी से अनुरोध करते हैं। आप वृक्षों की पूजा मत करिए, लेकिन वृक्ष लगाइए। पशुओं की पूजा मत करिए, गाय की पूजा मत करिए, लेकिन गाय को पालिए। अगर गाय होती तो एग्रो वेस्ट न बचता, चलाना न पड़ता। गाय एग्रो वेस्ट को खाती, पुआल भूसे को और गोबर करती, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती। पहाड़ों की पूजा मत करिए, पहाड़ों को सुरक्षित करिए। नदियों की पूजा मत करिए, उनको गंदा मत करिए। और आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आज जब सभी वृक्ष लगाने की बात करते हैं तो जंगल गायब हो रहे हैं। जब हम जंगल, जब वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे। इस पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण की भी बात करनी चाहिए। और हमको लंबे आयु के पौधों को लगाना चाहिए, जिससे 100-150 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर सकें और वातावरण से अलग कर सकें। अंत में मैं कहना चाहता हूं, अगर आस्था और परंपरा हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान करे तो आप उस पर पुनर्विचार करिए। आप होली का त्योहार मनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन उसी समय मूर्ति विसर्जन भी करते हैं और पर्यावरण को दूषित भी करते हैं तमाम रंग से, पेड़ काट करके, लकड़ी जला करके, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का रेशियो बदलता है, बिगड़ता है। दूसरा हमारा त्योहार है दिवाली का।
जहां लोग पूजा करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन पटाखे जला के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हम समझते हैं आप इन सब खर्च को एकत्र करके किसी व्यक्ति के उत्थान में आप लगा सकते हैं, समाज के उत्थान में लगा सकते हैं। तो आप पर्यावरण के साथ रखिए, बी विद नेचर, आप प्रकृति की खूबसूरत रचना है, यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर, आप प्रकृति के साथ रखिए। चलिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षा करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज प्रयागराज के हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह से मुलाकात हुई, जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहतरीन मुहिम चला रहे हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह अब तक लाखों पेड़ पौधे लगा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।